ये मैंने एक चीज कहा याद रखने के लिए वारसीन के ताल्लुक से, कि जो रिश्ते हैं ना अरबी में, नाम याद हो, उसका तर्जुमा और उसका मफहूम जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरी चीज वारसीन के ताल्लुक से जो जहन में रखने की वही है कि कुछ वारसीन ऐसे हैं, नीचे की नस्ल या ऊपर की नस्ल भी वारिस होती है, यानी वहां एक और चयन होता है, नसब का चयन होता है। जैसे जौजैन में तो कोई नहीं है, वहां पे कोई चयन नहीं है, जौज है जौजा बस। आप फुरू में आएंगे तो इब्न है, अब इब्नुल इब्न, देखिए ये चयन बढ़ा ना यहां से, ये नसब का चयन। तो जहां जहां भी चयन वाले वारिस हैं वो चयन कंटिन्यू है, हमने सिर्फ दो लिखा ना, लेकिन वो नीचे जितना जाएंगे आप वो सब वारिस बनते जाएंगे। अब इसका एक बेटा इब्न, इसका भी बेटा इब्न, इसका भी बेटा इब्न, जितना भी नीचे जाएंगे आप सब वारिस बनते जाएंगे। ये ऊपर वाला रहेगा तब तो नीचे का कोई वारिस होगा, लेकिन ये नहीं है, ये है तो यही ले लेगा, या ये नहीं है, दोनों नहीं है, ये है तो ये इन दोनों की ऊपर की जगह ले लेगा। जिस वारिस के साथ चैन है नसब का, वो चैन कंटिन्यू है। जैसे ये इब्न में मैंने बताया, ये इसकी इब्न है ना, अब इसकी बिंत, हाँ ये नीचे, या फिर इसकी बिंत, हाँ बिंत, तो ये बेटे का बेटा या बेटी की बेटी, या और नीचे उतरे पोता है, फिर पोते का बेटा पोती की बेटी। ऐसे उसूल में देखें आप, अब बाप है तो अब ये ऊपर जहां तक भी जा सके कंटिन्यू, ये बाप ये वारिस, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, बाप नहीं तो दादा, दादा नहीं तो परदादा, जो पहले होगा वही लेगा, पहला नहीं तो उसके दूसरे वाले का नंबर आ जाएगा, दूसरा नहीं तो अगले वाले का नंबर आ जाएगा। और ज्यादा तो रहते नहीं है, दादा बहुत हो गया तो दादा जिंदा रहेगा, परदादा कहां रहता है। ऐसे मां में भी ओम है, ओम नहीं है तो नानी का नंबर आ जाएगा, नानी भी नहीं है तो परनानी का नंबर आ जाएगा। उतने रिश्ते होते नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि ये रिश्ता कंटिन्यू है यहाँ पे। ये उसूल में देख लिया आपने, हवाशी में भी देखें आप। अब इसका मरने वाले का एक भाई है, आप शकीक मान लीजिए, इसका बेटा, अब फिर इसका बेटा, ये उतर गया, भतीजा, भतीजे का बेटा, भतीजे के बेटे का बेटा। अब इतना तो नौबत नहीं आती है, लेकिन इतना जहन में रखें कि यहां चूंकि नसब आगे भी बढ़ा हुआ है, इसलिए वो नसब कंटिन्यू, इब्नुल अख अशकी। ऐसे चचा में भी इब्नुल अम अशकी, वो रिश्ता बढ़ता है। खुलासा यह है कि दूसरी बात यह जहन में रखें कि वारिसिन की जो फहरिस्त आपके सामने रखी गई, उस फहरिस्त में आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर नसब से एक और रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसी नसब से, यानी उसी वारिस से जुड़कर एक और वारिस आया। तो ऐसा जहां जहां भी है वहां वो नसब कंटिन्यू, वो रिश्ता कंटिन्यू। लेकिन हम सिर्फ दो ही याद करेंगे, वारिसिन में हम जो याद करते हैं, फहरिस्त में सिर्फ दो ही याद करते हैं। लेकिन इसके साथ ये जहन में रहे कि जहां जहां चैन है, जिस वारिस के साथ खून का चैन है, वो चैन कंटिन्यू, वो नसब कंटिन्यू। ये दूसरी बात है।